वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आपका मैथ विद विनायक में। लास्ट टाइम हमने सीखा लिस्टिंग मेथड और अभी हम सीखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9, 16, 25, ……100। आप सोचने की कोशिश करो इन एलिमेंट्स की क्या स्पेशलिटी है। 1, 4, 9, 16, 25। कैन आई से दीज आर द स्क्वायर नंबर्स? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड ऑनवर्ड्स 10 का स्क्वायर इज व्हाट 100। सो कैन आई से कि ये 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर है। तो मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ध्यान देना, पहला सम कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्कुल ध्यान से एक सेट बनाना शुरू किया, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एक्स क्या है? x represents all the elements of this set. और ये elements कैसे produce होंगे, कैसे generate होंगे? By being the square of something, square of n. और मैं n को लगा दूंगा from 1 to 10, n को मैं restrict कर दूंगा from 1 to 10, n values लेगा 1 से लेके 10 तक, 1 square, 2 square, 3 square, ठीक है? n belongs to natural number and n less than equals to 10. तो अभी ये परफेक्ट हो चुका है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 मतलब 10 तक। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आर द वैल्यूज ऑफ n। तो उस हिसाब से 1 square, 2 square, 3 square, 4 square और ये सब एलिमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, जनरेट होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल 6, 12, 18, 24, ……up to 48। क्या आप देख सकते हैं कि ये 6 का टेबल है? 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, ……6 eights are 48। सो दिस इज द टेबल ऑफ 6 up to 8। 6 eights are 48, तो 6 की टेबल। तो मुझे इसको 6n लिखना पड़ेगा। 6n मतलब मल्टीपल ऑफ 6। देखिए यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n। 6n मतलब क्या? टेबल ऑफ 6। n का वैल्यू 1 डालोगे तो 6 ones are 6, n का वैल्यू 2 डालोगे तो 6 twos are 12, n का वैल्यू 3 डालोगे तो 6 threes are 18। ऐसे करते करते n का वैल्यू कहाँ तक डालना है? 8 तक, ताकि 6 eights का क्या बन जाए? 48। तो n belongs to natural number and n less than equals to 8। तो अब यहाँ पे खुद ही देखिए n का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते जाइए। n का वैल्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब पुट होगा और वो 6, 12, 18, 24, ……48 बनते जाएगा। लास्ट SMILE क्या है? स्माइल। कैन आई से दिस इज द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्माइल? सो आई कैन राइट इट एज x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल, ठीक है? तो ये उसके लेटर्स हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, दो एग्जांपल्स और। लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है संडे मंडे ……up to Saturday। तो आप ये क्या बोल सकते हो, ये क्या है? कैन आई से दीज आर द डेज ऑफ अ वीक? बराबर। सो हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है, रूल मेथड के फॉर्म में लिखना है, सबका मतलब एक ही है। x such that x is a day of the week। एक हफ्ते में जो भी दिन होते हैं ये वो सब है। और AET, तो इसमें से कुछ लोग बोलेंगे सर ईट वर्ड के लेटर्स हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर एट वर्ड के लेटर्स हैं, तो कुछ भी चलेगा। EAT, ATE या TEAT, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज बन गई। ईट भी एक वैलिड वर्ड है, एट भी एक प्रॉपर वैलिड इंग्लिश वर्ड है, टी भी एक प्रॉपर वैलिड इंग्लिश वर्ड है। तो उसके 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, सब करेक्ट है, गलत इनमें से अगर आप कोई भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपको गलत मिलेगा ऐसा नहीं होगा। सो एक्स सच दैट x is a letter
x is a letter of the word say t. X is a letter of the word t. ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेट बिल्डर फॉर्म. हमने लिस्टिंग मेथड सीखा, सेट बिल्डर सीखा. इससे कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1. और काफ़ी सारी वीडियोस और आएंगी सेट चैप्टर को लेके. बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. कीप ऑन डूइंग मैथमेटिक्स डेली. आई विल बी कमिंग अप डेली विद द वीडियोस एंड उसको डेली देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया. और फॉर एनी क्वेरीज मेल मी एट mathswithvinayak@gmail.com और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें. एंड क्लिक एट द बेल बटन टू सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़ दैट विल कम डेली.